कोरोना का कहर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर भी असर दिखा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सोशल मीडिया में ये जानकारी उन्होंने शेयर करते हुए बताया कि वह फिलहाल होम आइसोलेशन में है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी केरल, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में रैलियां कर रहे थे, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने दो दिन पहले ही बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। कोरोना का कहर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर भी असर दिखा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सोशल मीडिया में ये जानकारी उन्होंने शेयर करते हुए बताया कि वह फिलहाल होम आइसोलेशन में है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी केरल, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में रैलियां कर रहे थे, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने दो दिन पहले ही बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। कोरोना का कहर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर भी असर दिखा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सोशल मीडिया में ये जानकारी उन्होंने शेयर करते हुए बताया कि वह फिलहाल होम आइसोलेशन में है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी केरल, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में रैलियां कर रहे थे, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने दो दिन पहले ही बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। कोरोना का कहर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर भी असर दिखा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सोशल मीडिया में ये जानकारी उन्होंने शेयर करते हुए बताया कि वह फिलहाल होम आइसोलेशन में है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी केरल, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में रैलियां कर रहे थे, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उन्होंने दो दिन पहले ही बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज़।